हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज एक चैनल पे जेके एसएसबी चेयरमैन का इंटरव्यू हुआ। हम उसी इंटरव्यू का एनालिसिस करेंगे और जो आगे आने वाले एग्जामिनेशंस हैं, जैसे फाइनेंस, अकाउंट्स असिस्टेंट और बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, क्या वो टाइम पे कंडक्ट होंगे या पोस्टपोन होंगे, क्या होगा, उस सबको एनालाइज करेंगे। जब जेके एसएसबी चेयरमैन का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन उनसे यही पूछा गया, अभी COVID-19 के केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, क्या आप एग्जामिनेशन टाइम पे कंडक्ट करोगे या आगे पोस्टपोन करोगे? तो उनका आंसर ये था कि COVID-19 हमारे साथ पिछले 2 सालों से है, अब हमें इसके साथ जीना आ जाना चाहिए। हम COVID-19 के जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से हम अपने सिस्टम को बंद नहीं कर सकते हैं, हम अपने एजुकेशन, हम अपने कारोबार, इन सब चीजों को बंद नहीं कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने ये कहा कि हो सकता है आगे 1 महीने में और ज्यादा केसेस इंक्रीज करें, हम आगे फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड साथ में उन्होंने ये कहा कि मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा था, एंड हो सकता है उन्होंने मलिक ट्यूटोरियल का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन किया है, एंड ये न्यूज मैंने डाली थी कि यूरोपियन कंट्रीज में अब ये कहा जाता है कि जो कोरोना वायरस है इसको आप जस्ट कंसिडर करो एज अ फ्लू, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाली थी। और उन्होंने इसी का कहा, एंड कहा कि अब हमें इसके साथ जीना आना चाहिए, अब जो केसेस बढ़ रहे हैं इसकी वजह से हम एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेंगे, बाकी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी हम उनको फॉलो करेंगे। लेकिन जैसी मुझे उनकी टोन लगी कि हमने बहुत प्रिपरेशन की है, अब एट द एंड हम एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, हाँ आगे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो क्या रहेगी वो जरूर फॉलो करेंगे, लेकिन जैसा मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि अभी मार्केट्स खुली हैं, ट्रांसपोर्ट सब चल रहा है, एंड जो ट्यूशन इंस्टीट्यूट थे वो कुछ टाइम के लिए बंद है, एंड कहीं कहीं पे उनको भी खोल दिया गया, तो मुझे नहीं लगता है आगे जो आने वाले एग्जाम है वो पोस्टपोन हो सकते हैं। एंड कुछ टाइम पहले जेकेएसएसबी चेयरमैन का एक और चैनल पे इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने कहा था कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होगा, एंड आई एम श्योर, मुझे लगता है कि डेफिनेटली फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में कंडक्ट हो सकता है। 90% चांसेस है एग्जाम कंडक्ट होने के, एंड 10% चांसेस है नहीं होने के। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, रिस्क बिल्कुल भी मत लो, प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करो, हाँ फिर अगर पोस्टपोन हुआ तो अलग बात है, लेकिन अभी 90% चांसेस है जितने भी आगे एग्जाम है वो अपने टाइम पे कंडक्ट हो सकते हैं। एंड एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, अगर अभी तक आपको पता नहीं है, हमारा एक सुपर क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस करेंगे। अगर आपने अभी तक इन सब्जेक्ट को देखा भी नहीं है फिर भी ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप ज्वाइन करिए, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, जैसा कि मुझे लगता है जेकेएसएसबी चेयरमैन ने भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है, जो न्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस की उसी का उन्होंने जिक्र किया, तो अगर आप भी मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन करो।